अब तो नाती का सेवा हो गया है, अब चाहते हैं भगवान हमें पोता पोती जो उनकी इच्छा हो दे दे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। नहाना तो हमारा हो गया जी, अब बारी है नाश्ता करने की, तो यहाँ नाश्ता लग चुका है, तो करते हैं नाश्ता। लोगों ने इतना कमेंट किया कि फाइनली निकल रहा है हमारा कूलर। देख सकते हैं कूलर का सोचा था कि हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ गर्मी जो है थोड़ा सा सह लेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि जिया की हालत को देखते हुए और आप लोगों का जो हमने कमेंट देखा था कल, हमने कि एसी और कूलर के बीच में डिबेट हो गया भाई साहब, कमेंट बॉक्स में बाहर आ गए एकदम। जैसे लग रहा था दंगा हो गया कमेंट बॉक्स में, आपने दंगा फैला ही दिया था। लगता है कि कुछ मैंने गलत टॉपिक छेड़ दिया, तो इनको भी खराब लगा हो तो उनको सॉरी, और बाकी आप कूलर निकालते हैं। आप लोग के कहने पे ही आज ये कूलर निकल रहा है। फाइनली हमारे कूलर में पानी डल गया और चल भी गया। चेक कर रहे क्या है। आज मेरा नाश्ता और खाना जो है एक साथ हो रहा है, उधर पपीता खाया, इधर हमारा थाली भी लग गया खाने का, तो जल्दी से खाते हैं। शाम का समय हो गया और मैं अभी सबके लिए बना रही हूँ बेल का शरबत, बनाते हैं सबके लिए बेल का शरबत और सबको देते हैं। यहाँ पे हमारा बेल का शरबत बन गया, दोनों अब चलते हैं नीचे माँ को दे आते हैं और डैडी को, तो ये पतिदेव के लिए। देख रहा हूँ कि बगल में जिया है जी, जिया बना रही है बेल का शरबत। आज हम जो है बेल खरीद करके लेके आए थे लगभग 3 बेल, आज ही एक बेल का जो काम तमाम हो गया है, फिर अगले 2 दिन में 2 बेल, फिर बेल लाते रहो, बेल पर बेल चलता रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ज्यादा पका हुआ था तो आज उसको छोड़ देते तो फिर वो सड़ जाता। अच्छा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, पीते हैं एकदम। तो फीलिंग आ रहा होगा कि ऑरेंज का है एकदम जूस, ऑरेंज नहीं है बेल है। चल रहे थे दुकान, कुछ खरीदना है तो जा करके खरीद लेते हैं, तो ले लिया जी, जो भी सामान लेना था ले लिया। अभी आपने देखा होगा कुछ देर पहले बच्चा बहुत तेज रो रहा था, ये कि उस तरह वो साइकिल चला रहा था और एक सांड आया जा रहा था काला रंग का, तो वो बच्चा डर गया, जब सांड कुछ नहीं कर रहा तो वो खुद ही डर गया, बहुत हड़बड़ा के भागने लग गया, उसमें गिर गया, उसे आ गई चोट तो इसलिए वो रोने लग गया बहुत। फिलहाल चलते हैं घर, घर में जाकर के ये सामान देते हैं, और आज बाहर भी निकलना है, कुछ दोस्त सब आए हुए तो जाकर के मिलते हैं सभी से। अभी बज रहे हैं जी 9:15 और आज का जो है ब्लॉग हमने डाल दिया है, और थोड़ा सा लेट हो गया 15 मिनट, क्योंकि हम चले गए थे बाहर, कुछ दोस्त आए हुए थे उनसे मिलने के लिए, इसलिए हो गया लेट। जैसा कि हमने लास्ट व्लॉग में बात किया था कि नैन्सी दीदी की मम्मी जो है आने वाली है, तो नैन्सी दीदी की मम्मी जो है नीचे आज सीधा चलती है नीचे, वहाँ जाकर के प्रणाम करते हैं। बढ़िया छोर से सस्ते बढ़ हमने फोटो खींच ले, डाले हैं उनका वीडियो में। अच्छा फिर फोटो की चलते आ चुके हैं, और यहाँ पर दीदी पानी डाल रहे हैं सारे पौधों में। हाँ, और आज जो है मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो बड़ा मजा आ रहा है, और आज हम लोग उठने में लेट भी हो गया था, लेकिन लेट उठ करके भी देख रहे हैं अच्छे मौसम का आनंद हम लोग ले रहे हैं। और हुआ क्या, आज जो है अलार्म लगा ही नहीं था, तो जिया का अचानक से नींद खुला, फिर उसके बाद बताया कि अलार्म तो बजा ही, और उसके बाद जो समय भी हो चुका है, तब हम लोग उठी हड़बड़ा करके। चलो टाटा बाय बाय सर, टाटा बाय बाय। तो अपना वॉक हो गया ऊपर कंप्लीट, तो अब सीधा चलते हैं नीचे, मम्मी भी यहाँ सो करके उठ चुकी है। कितने बजे उठे थे? कितने बजे घर ही तो नहीं देखे, दीदी उठा दी उठे क्योंकि थके हुए इतना थे ना सोए। वाह बढ़िया है, अब अपना काम करने के लिए आइए वाला हो चुका है, बहुत बढ़िया ना। जी अपने काम पर यहाँ लग चुकी है, सारा झींगा सब छिल रही है, और इसको जो है थोड़ा अच्छे से बनाया जाए, ये बहुत खराब लगता है खाने में। चना दाल डाल के तुरई। अच्छा तो बहुत लोग इसको तुरई बोलते हैं, हम लोग झींगा बोलते हैं। झिंगली अलग चीज होता है क्या? अच्छा ये है झिंगली, नेनुआ बहुत लोग कहा जाता है, नेनुआ हो गया, झिंगा हो गया, झिंगली हो गया, झिंगली अलग हुआ, इसको नेनुआ और झिंगा अतुरई। अररिया जिला में नेनुआ। देखिये हम सब बच्चे से झिंगा कहते लिए, कंटा लोग शहर गए गाम से, भए गेल झिंगा नेनुआ, तकर ओसि कने आगू चलि गेल दिल्ली तऽ भए गेल घेवड़ा। तो फाइनली जी हमारा हो गया है ब्रश, उसके बाद अब बारी है ये नाश्ता करने की, तो यहाँ पर अपना फल काट रहे हैं, ढेर सारे फल हैं, सभी में से एक एक लिया जाए और अच्छा खासा हो जाएगा। मम्मी बैठी है,
यहाँ पर बाबा कूलर देख रहे हैं जी, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, इसका पानी इसमें चलता है नहीं, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसे पापा आ गए हैं, अब फिक्र है हम कोई भी सामान खराब होगा, जो भी कमी होगा ना हाँ। वो तुम्हारा सब आज पूरे दिन में ठीक हो जाएगा कुछ ना कुछ नया। उसके बाद बात क्या है, जब मेरा पौधा पिछली बार खराब हो जाता है, पापा ही थे तो संवार दिए पूरा पौधा को। इस बार तो बहुत अच्छा फूल फूल खिला है इस बार। अच्छा, सोच रहे कुछ और पौधा लाती है, तीन गो चार गो गमला खाली है। पापा है थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए। जिया बैठ करके अपना ही ब्लॉग देख रही है, देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ब्लॉग, अपने ब्लॉग की तारीफ खुद करती हूँ। पहली इंसान इसको दिखा, क्योंकि उसका म्यूजिक सब जो कुछ कुछ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। प्याज का भी स्वाद आया और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो गया। और सब्जी बनाने में मेरी गुरु है बुनियादी स्टाफ की रीता जी, और हम कितना भी तेल मसाला डाल के सब्जी बना लेते तभी अच्छा बनता है। दीदी बनाती है बहुत ही अच्छा बनता है, जब भी हम आते हैं दीदी करते हैं ये सब्जी बनाओ और हम खाएंगे। यहाँ पे मम्मी माँ बना रही है वीडियो अपना, किसी का भी सब्जी के बारे में हम कुछ नहीं सुनते, मेरा अपना जो दिमाग चलता है वही सुनते। खाने का मन है खाइए, नहीं खाने का मन है रखिए। जब दीदी सब्जी बनाती है ना, बहुत तारीफ करते हैं। हम जो सब्जी बनाएंगे तो कोई बीमार को सब हंसते हैं। ये सही बात बोली, मौसी इतना पानी डाल देती है लेकिन फिर भी बहुत स्वाद बनता है खाना। दाल हमको स्पेशली बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बनाती है। अब चल रहे जी मार्केट, मार्केट से कुछ सामान लाना है, माँ को भी कुछ चाहिए होगा सामान, चलते हैं उनसे पूछ लेते हैं क्या क्या चाहिए। काम जो ढाई किलो आलू, एक लीटर दूध, एक पैकेट जीरा गोटा, गोटा जीरा, और कुछ जाते हैं उस पार न्यू मार्केट वहीं से ले आते हैं। वर्तमान में कुछ नहीं, न्यू मार्केट जाइएगा तो तुम भी जाओ, नहीं लगा सरल पर चल उठा तैयार होकर चल जाओ। चलना जल्दी चलो तो ये चल रहा है कि परवल की सब्जी जो है ना जी अच्छा बना दिया दीदी करे नहीं, उससे अच्छा हम बनाते अच्छा। तो हम ये दिए कि तुम सास बहू दोनों एक एक दिन बना के हमें खिला देना, फिर बताएंगे कैसा बना। चलते हैं जी मार्केट। डॉक्टर और समझ जाता है कितना है भाई? सामान तो ले लिया जी, अब गाड़ी में डालना है तेल, तो अभी डलवाते हैं। सारी खरीदारी तो हो गई जी, बचा हुआ है कूलर का कुछ सामान। मार्केट से आ गए जी घर, कुछ सामान जो है यहाँ बगल के दुकान से ही लेना है, जो हमारे सुधीर अंकल है उनके यहाँ से जाकर के लेते हैं। और जैसा कि आपको बताया था कि हम गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हम इसलिए गए थे कि हमें लेना था एक मोटर। हमारे जो कूलर का मोटर है जिससे पानी जो है उसमें चलता रहता है, वह मोटर खराब हो चुका है, तो इसकी वजह से जो है कूलर ढावा दे नहीं पाता है, क्योंकि वो मोटर चल नहीं रहा है, पानी बस भरा हुआ है, पानी घूम नहीं रहा है उसमें। यहाँ तो नहीं मिला इस पार के मार्केट में, तब जाना पड़ेगा एक और मार्केट है, तो उस पार जाएंगे तो वहीं से जाकर के लेंगे। हमारे बकरी को मिल गया है चारा हमारे डर से, लेकिन भाग रही है, कुछ नहीं करेंगे, चले जाओ कुछ नहीं कर रहे क्या, यह बेचारी आराम से बैठेंगे, लेकिन जैसे ही जाएंगे भाग जाएगी भाग। मुझे छोटे छोटे बकरी के बच्चे बहुत अच्छे लगता है, पैर पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये पकड़ दे देंगे इन्हें भाग जाएंगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। दूध चाहिए था एक लीटर, और नमकीन चाहिए था दो पैकेट, और बिस्किट चाहिए था नमकीन वाला भी। अरे सामान लेने आती आंटी, हम आपको देखे थे वीडियो में। अच्छा ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ले लिया जी सारा सामान, अब सीधा चलते हैं घर। धूप हो गई बहुत तेज, इस धूप में जो है अब ज्यादा देर निकला नहीं जाएगा, रहेगा कि घर ही चले जाए। दीदी दूध है इसमें ले लो, दही पड़वे दही खर्चा छे ना। दही तो बनना है इस गर्मी में, डैडी कोर्ट जाते हैं उसी बहाने तुम लोग उठाता है। श्यामदेव राय का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जो श्यामदेव राय करते वही करो, वो सब सामान एक बार नहीं लाते बीच में, कि आप भूल गए। एक चीज अंतर है, श्यामदेव राय जो है उनका पैसा है, पत्नी थी टीचर पहले, वकील साहब है, दोनों का पैसा जो था वो कंजर वाला, वो खर्चा बीओ हो गई बेचारी, लेकिन वो रह गया वो टीचर वाला। अच्छा। दोनों आदमी पैसा खर्चा करने में बड़ी दिक्कत होता है, अगर इसके पद पे हम रहते तो आप देखते फिर भी। हाय हाय हाय, निपटा लिया जी अपना सारा काम, और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मम्मी भी सोई हुई थी, मम्मी बहुत ज्यादा थकी हुई है देख करके लग रहा है, मम्मी को जब भी मौका मिल जा रहा है आराम से सो जा रही है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा काम से फ्री है। अब समझ ही सकते हैं दिल्ली में हमारा जो भांजा आया हुआ है कितना ज्यादा मेहनत करवाया होगा अपनी नानी से,
अब तो नाती का सेवा हो गया है, अब चाहते हैं भगवान हमें पोता पोती जो उनकी इच्छा हो दे दे, अब उनका सेवा करेंगे, लेकिन तब तक चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे पोता पोती जो भी है थोड़ा सा दादी आराम कर ले, हमारी सेवा खूब आराम से दादी कर सके। वहाँ पर सोने नहीं दिया गया, उन्हें पर नाती सोने नहीं दिया, तो जगा ही रहता था हर हमेशा, और बस नाती की सेवा कर रहे थे और नाती की मम्मी का भी सेवा करना पड़ रहा था। यहाँ पे तो हम दो बहन हैं, एक उसकी मम्मी की सेवा करेगी, एक हम पोता पोती जो भी आएगा उसका करेंगे। ऐसा था कि मम्मी जब सोने जाती थी तभी उठ के बैठ जाता था, बताइए। अच्छा। सही बात, जब भी हम सोने जाए वैसे वो चुप भी रहता था, जब हम सोने जाए तो उठ के वो बैठ जाता था। अब हमारा पोता पोती जो करवाए वो करेंगे, इसलिए वो सोच रहा है कि मेरी दादी थक के आई है, थोड़ा तो थोड़ा सा रेस्ट दे रहा है, ये तब बाद में आएंगे हम, पहले आप रेस्ट कर लो, पूरा फिट हो जाओ तब हम आते हैं बाहर, आप मेरा अच्छे से वेलकम करना। देखिए भगवान आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हमारा जो भी बच्चे आए वो स्वस्थ आए। बिल्कुल जी, हाँ बस यही कहेंगे, आप लोग के आशीर्वाद से ही होगा। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।